हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो फाइनली एफकेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी एयर फोर्स का जो आपका एग्जाम होगा अलग अलग ब्रांचेस के लिए उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी डिटेल्स इसमें दे दी गई है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं पोस्ट के नाम की बात करूँ तो पायलट की पोस्ट है जो कि फ्लाइंग ब्रांच में है। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं पायलट की पोस्ट के लिए, तो आपकी एज लिमिट, आपकी आयु सीमा 20 साल से 24 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यानी कितना आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा ये एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, 10+2 में, यानी 12th में फिजिक्स और मैथ्स में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है 12th का, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन जिन्होंने 3 साल का किया है, 3 साल की डिग्री जिन्होंने की है, तो उनको भी 60% मार्क्स लाना है, मिनिमम 60% मार्क्स उनका होना चाहिए ये एग्जाम देने के लिए। जिन्होंने बीई या बीटेक किया है जो कि 4 साल की डिग्री, 4 साल का कोर्स होता है, उनको मिनिमम 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी चाहे आप 3 साल की डिग्री कोर्स करो, चाहे आप बी या बीटेक करो 4 साल का, आपको 60% मार्क्स तो लाना ही है। अगला देख लेते हैं, अगर आपने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है, ये दूसरी ब्रांच है, वो फ्लाइंग ब्रांच थी, ये ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांच है, टेक्निकल की मैं बात कर रही हूं, तो आपकी एज लिमिट जो है वो 20 से 26 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए ये टेक्निकल में। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच जो है नॉन टेक्निकल की मैं बात कर रही हूं, ये टेक्निकल का हो गया, ये नॉन टेक्निकल में भी आपका 20 से 26 साल ही आयु सीमा होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन देख लो, क्वालिफिकेशन जो है वो दोनों का सेम है, मिनिमम 60% आपका होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स में मिनिमम आपका 60% होना चाहिए 12th में, यानी 10+2 में, 12th के एग्जाम में, ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में अगर 3 साल की डिग्री आपने की है तो 60% आपको उसमें लाना है, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या होंगे, किस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो देखो पहला तो आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ्स, जिसमें 23 क्वेश्चन होंगे। जीके रहेगा दूसरा, यानी जनरल नॉलेज, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा रहेगा मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के 22 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि 300 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का ड्यूरेशन, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो EKT लिखा है, ये जिन्होंने टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनको देना है, जिसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे जो 150 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के सिर्फ टेक्निकल वालों को ही देना है। इसमें आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं, मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो इसमें +3 मार्क्स आपको मिलेगा करेक्ट आंसर करने पे, और -1 आपका हो जाएगा गलत आंसर करने पे। अगर ईकेटी की बात करूं तो +1 आपको मिलेगा करेक्ट आंसर करने पे, -0.33 आपको कट कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन, तो -0.33 आपका नंबर जो है वो कट जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट दे दी गई है 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022, यानी पूरे 1 महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर देना, लास्ट डेट के लिए मत रुकना, ठीक है। और अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूँ, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई, अब एग्जाम कब होगा आपका, 24 फरवरी 2023 को होगा, 25 फरवरी को होगा और 26 फरवरी, यानी 24, 25, 26 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है और पोस्ट भी हासिल कर लेना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।